नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा और कितने प्रश्न इसमें किस किस तरह के लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस बार जो अर्धवार्षिक का पेपर होगा अपना वो होगा 60 अंकों का और इसका जो समय भी घटा दिया गया अब 2 घंटा 45 मिनट, इसलिए अब जो प्रश्न छोटे प्रश्न इसमें ज़्यादा दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कौन कौन जैसे यह सामाजिक का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, सॉरी प्रश्न पत्र है जिसको बनाया है, तो इसके 3 भाग होंगे। खंड 1 जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड 2 प्रश्न संख्या 25 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। और खंड 3 जो होगा वो 31 से 33 तक जो प्रश्न संख्या है उसमें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। इस तरह से टोटल करके ये 24 और ये 18 और ये 18 यानी टोटल 60 अंक के इसमें प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन खंड 1। जो खंड 1 में कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर आएगा इसका फ्रेडरिक सारू। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ आएगा इसका 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा भूताप ऊर्जा। राउतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। चलिए और आगे देखते हैं, श्रीलंका में जाति समूह कौन से जाति समूह हैं? सिंहली और तमिल। छठा प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसके 3 स्तर होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो यह आंसर आएगा उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार की ओर से निम्न में से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। चलिए अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह का संबंध है। तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लोगों द्वारा बनाया जाता है जो ऋण के क्षेत्र से में मिलकर काम करते हैं। तो आंसर आएगा पहला आंसर इसका, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? इंटरनेट द्वारा, सबसे तेज इंटरनेट द्वारा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये आंसर आएगा मेटरनिक ने। अब इसके बाद जो ये 10 प्रश्न है, इसके बाद मैंने इसमें लिए हैं 11 से 16 तक के रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो पेपर में रिक्त स्थान वाले प्रश्न करने हैं, जिसमें राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन, अब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 में। तो यहाँ लिखेंगे हम 1789 ईस्वी में। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो यहाँ आएगा चोरा चोरी घटना या कांड जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो यहाँ आएगा लाहौर अधिवेशन। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर आएगा रियो डी जेनेरो। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर लिखेंगे इसमें 1973। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? तो यहाँ लिखेंगे आधुनिक भारत के मंदिर। तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के लिए, जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पे, उनके लिए कहा था ये भारत के आधुनिक मंदिर है, सॉरी आधुनिक भारत के मंदिर हैं। इसके बाद जो 17 से 24 तक प्रश्न आएंगे आपके, वो 1 नंबर के आएंगे, तो 24 तक, तो जैसे इसमें बिल्कुल अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जैसे 1721 आंदोलन के अंतर्गत केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं, तो यहाँ आंदोलन था ग्रीन पट्टी का कुछ ऐसा आंदोलन चला था यहाँ पर। इसके बाद इंग्लैंड के राज के धर्म का नाम बताइए, तो इंग्लैंड में कौन सा राजधर्म है? ईसाई। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो कई जगह इसको सरपंच के नाम से जाना जाता है, सरपंच या फिर प्रधान।
बेला डीला लोहे एस्क खान, यानी इसकी लोहे की खान कहाँ पर स्थित है, तो ये आंसर है इसका छत्तीसगढ़। झूमिंग कृषि भारत के किन राज्यों में की जाती है? झूमिंग कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? जैसे असम में पहाड़ी इलाकों में की जाती है, असम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड आदि में की जाती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ एक एक शब्द के आंसर ही है मानिसराम, कहाँ ये? मेघालय में। यूटोपिया क्या है? तो ये अपने जो सामाजिक का पहला पाठ है राष्ट्रवाद वाला, उसमें से प्रश्न लिया गया यूटोपिया क्या है। कल्पना दर्श, यानी ऐसा समाज, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो जिसका साकार होना असंभव हो। तो यहाँ अपने आंसर, छोटा सा आंसर लिखेंगे इसमें, लिख सकते हैं ऐसा समाज जो इतना आदर्श हो जिसका साकार होना असंभव हो। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह आंसर आएगा इसमें बिस्मार्क, बिस्मार्क। तो इस प्रकार से ये 24 प्रश्न जो हैं छोटे प्रश्न हैं और इनको हम आसानी से कर सकते हैं, और प्रश्न तो ज़्यादा है पर 24 प्रश्न दिए गए हैं एक एक नंबर के। अब जो खंड दो है उसमें तीन तीन नंबर के प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न तीन तीन नंबर को, थोड़ा इनको बड़ा लिखना पड़ेगा अपन को, पांच पांच या तीन तीन चार चार लाइनों में। जैसे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को संक्षिप्त में विवरण दीजिए, तो जो भी कार्यक्रम हुए थे असहयोग आंदोलन के, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन के जो काम रोक देते, मतलब अंग्रेजों के जो काम, जैसे स्कूलों से पढ़ाई छोड़ना, चरखा चलाना, ऐसे कुछ काम किए गए थे इसमें से, वो सब इसमें लिखने। एजेंडा 21 क्या है? तो इसका जो आंसर लिखेंगे इसे, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पुरातात्विक व ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई, इस कथन को प्रमाणित करने के साक्ष्य दीजिए। तो थोड़े बड़े प्रश्न ये, जैसे बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है संघ सूची और राज्य सूची में अंतर बताइए। चलिए खंड तीन के प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें जैसे सामाजिक विज्ञान जो है, इसमें दो प्रश्न मैंने निबंधात्मक लिए हैं, ये इसमें से अथवा में इन तीनों में से हमें एक प्रश्न करना है। जैसे राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति, तो ये गलत हो गया, अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करें, ठीक है। या फिर ये करें ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राज्य बनने के कारण स्पष्ट कीजिए, या फिर भारत में प्रथम विश्व युद्ध द्वारा थोपी गई किन्हीं पाँच प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा, इनमें से कोई सा भी एक करना है हमें। इसी प्रकार 3200 जो प्रश्न है, आर्थिक विकास के तीन लक्ष्य समझाइए, या फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या आपके दृष्टिकोण से वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली में से कौन से श्रेष्ठ है, क्यों, इसका आंसर देना है। और जो 33वां प्रश्न है वो मैप से संबंधित आएगा, जैसे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो यहाँ अपने अभी 6 नंबर का आएगा, प्रत्येक का एक नंबर इसमें, और इनको हमें नक्शे में दर्शाना है। चंपारण, सिक्किम, डांडी, विजयनगर, हीराकुंड परियोजना और सरदार सरोवर बांध, तो नक्शे में दिखाएंगे हम इनको। इस प्रकार का ये प्रश्न पत्र आएगा अपने अर्धवार्षिक में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।